तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि बीएड वाले बच्चे जो है 1-5 नहीं पढ़ा सकते, प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते, डीएलएड वालों को ही स्थान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है खेला हो गया है, या हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि बीएड करने के बाद वो एग्ज़ाम देने आए हैं बीपीएससी का, और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि बीएड वालों को 1-5 पढ़ाना नहीं। तो बीएड वाले बच्चे जो हैं आखिर वो क्वालिफाई करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। तो चले पूछते हैं बच्चों से। क्या स्नेहा कुमारी है? स्नेहा कुमारी कहाँ से आई है मैडम? मनोहरपुर का छुआड़ा पटना। कहाँ पढ़ता है ये? पटना में। अच्छा, बीएड किया हुआ आपने? हाँ। 1-5 वाला एग्जाम देने आई है क्या? हाँ। पता है कि प्राइम पता है, बस ऐसे ही सोचा चलो दे देते हैं, क्या कर सकते हैं अभी। रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई कर गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया जाएगा क्या? देखिए आपका एलिजिबिलिटी है नहीं है, क्वालिफाई कर गई तो क्या क्या कर सकते हैं? वहाँ पर तो होगा ना कि हाँ आपको क्वालिफाई कर गए, उस लेवल के हैं हम कि उसमें मतलब उस लायक हैं, लेकिन अब ले ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अब वेट ही कर सकते हैं। ये सवाल है कि सरकार बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि कहा जाता है, न्यायालय को बड़ा कहा जाता है, लेकिन यह सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या क्या? नाम है मैडम आप लोगों का? मेरा रितु चौबे। नाम चंचल कुमारी। आप लोग एग्जाम देने आए हैं? बी एड किया हुआ आपने? नहीं, मैंने डीलेट किया। डीलेट किया आपने? डीलेट किया है मैंने। दोनों डीलेट, तब तो बच गए आप लोग। अच्छा ये बताइए कि खुशी है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है? सारे बच्चे एक जैसे मेहनत करते, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो। कंपटीशन कम हो गया ना, बीएड वालों जो अब छट गए वो जाएंगे अब। कंपटीशन कैसे करूँ, हम अपना तो बेस्ट ही देंगे, बीएड वाले भी रहते तो बेस्ट ही देते, सब लोग पढ़ाई तो इक्वल ही किए हैं। क्या फायदा है, वो पहला वाला था ठीक कि अभी वाला रूल ठीक है? मुझे तो एग्जाम देना है, पहले वाले चाहे दे चाहे अभी वाले दे। क्या मतलब, आप डीएलएड किया, आपने बीएड थोड़ी ना किया? डीएलएड से नहीं है, मेरी भी बहुत सारी दोस्त है जो बीएड करी हैं। दुख सबके लिए, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, दुख तो होता है ना सर, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। जी मेरा नाम खुशी हुआ। कहाँ से आई हैं? जी मैं पटना से आई हूँ। पटना से आई हैं। बीएड किया आपने कि डीएलएड? जी मैं बीएड की हूँ। बीएड की, पता है 1-5 का जो है आया? बहुत दुख है, और इसको सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे? नहीं, उनको भी करना चाहिए बिल्कुल, हम लोग पार्टीशन फाइल किया जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं धरना में बैठा जाएगा, जो भी होगा पॉसिबल वो किया जाएगा। नौकरी लेने के लिए एग्जाम भी दीजिए, धरना भी दीजिए, ये स्थिति है क्या भाई? आंदोलन कीजिएगा तभी नौकरी मिलेगा। सरकार से वो भरोसा नहीं है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं? सरकार से मांग किया जा रहा है अध्यादेश पारित करे सरकार। क्या नाम है मैडम आपका? सुजाता। कहाँ से आई हैं? विक्रमगंज रोहतास। हाँ। अच्छा मैडम ये बताइए, बीएड किया आपने कि डीएलएड किया? बीएड किया। पता है नियम जो सुप्रीम कोर्ट का? अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार पैसा बचाने के चक्कर में एग्जाम ले रही है कि फिर पैसा रिटर्न करना पड़ेगा? 750 या 800 रुपया लगा था ना? नहीं नहीं, फीमेल का 200 ही था। फीमेल का 200। हाँ। बाकी लड़कों का दुख बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा लड़कों का दुख है ना, मानती है ना? हाँ। तो लगता है ये पैसा बचाने के चक्कर में या वापस करने के चक्कर में, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी 3-4 दिन हुआ, पर ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, सरकार इस पे ऑर्डिनेंस ला सकती है, ऑर्डिनेंस बिल ला सकती है, रूल तो बना सकती है, भरोसा है, उम्मीद है सरकार पे, उम्मीद और भरोसा दोनों है ना? है। क्या नाम है मैडम? बोल रही थी कि सरकार जो है सही मैं पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ ये सही है। क्या सर बीएड किए हैं? बस एक उम्मीद है कि हो सकता हो भर्ती ले ले। कहाँ से आई आप? यूपी से। उत्तर प्रदेश, योगी जी के उत्तर प्रदेश। नौकरी उकरी नहीं है कहाँ यूपी में? नहीं है, तभी तो आए हैं इतनी दूर। यार अपने अकाल पड़ा हुआ है अभी, निकाल दिए गए हैं ना हम लोग, कोई उम्मीद नहीं रह गई है बीएड वाले। क्या जी बताइए भाई, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश। अरे भाई उत्तर प्रदेश वाले मिल गए यहाँ पे, तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से अगले एपिसोड में, आप देखिएगा। खबर में इतना ही, आप देख रहे थे आशा एक बार, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।